रंग देख रहे हैं आप नीला। विनोद खन्ना के जाने के बाद इस सीट पर यकीनन बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ है। अमृतसर पिछली बार 2014 में यह सीट कांग्रेस ने जीती थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जीती थी और तब से कैप्टन का यह किला बचा हुआ है। अगली सीट खडूर साहिब, ये तो अकाली दल के पास जा रही है। जालंधर की सीट देखिए आप किस तरीके से, यहां पर भी कांग्रेस अपनी जीत दर्ज कर रही है। अगली सीट होशियारपुर की सीट, जो पिछली बार बीजेपी ने जीती थी लेकिन इस बार कांग्रेस छीन रही है ये सीट बीजेपी से। आनंदपुर साहिब सीट कांग्रेस जीत रही है इस बार। यहां लुधियाना का जिक्र करेंगे, पिछली बार भी कांग्रेस ने जीती थी ये सीट और इस बार भी कांग्रेस ये सीट बचाए रखने में कामयाब हो रही है। फतेहगढ़ साहिब, एक बार फिर से कांग्रेस का कब्जा होगा इस सीट पर। फरीदकोट देखिए कैसे रंग नीला, मतलब कांग्रेस जीतेगी फरीदकोट। फिरोजपुर में अकाली दल जीत पाने में कामयाब हो रहा है सीट को। बठिंडा हरसिमरत कौर बादल यहां से सांसद, लेकिन कांग्रेस जीत रही है बठिंडा की सीट। संगरूर आप देख लीजिए, ये अन्य के खाते में जा रही है। संगरूर जहां से भगवंत मान सांसद आम आदमी पार्टी के, और पटियाला भी अन्य के खाते में क्योंकि यहां पिछली बार आम आदमी पार्टी के डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने जीत दर्ज की थी, जो अब अलग हो गए, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, इस बार भी वही जीत दर्ज कर सकते हैं इस सीट पर। तो कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर पंजाब की क्या उभर रही है, 13 सीटें और बीजेपी प्लस सिर्फ 2 सीट जीत पा रहा है। कांग्रेस को बड़ा फायदा, पंजाब में कांग्रेस की भारी जीत होगी। 13 में से 9 सीटें कांग्रेस जीत रही है पंजाब में। पत्रकारों का सबसे बड़ा सर्वे यही संकेत दे रहा है कि पंजाब में कांग्रेस की बड़ी जीत। सुमित, जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए